धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। मकर संक्रांति से मौसम परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। और मैं हूँ आपके साथ रिया कुमारी और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क में। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है पंडित जी कृष्ण किशोर त्रिवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पंडित जी, इस साल 2023 में लोग इस असमंजस में है कि मकर संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी को। तो आज हम आपसे जानेंगे कि मकर संक्रांति जो है वो कब मनाया जाएगा और इसकी क्या शुभ मुहूर्त है। जी, मकर संक्रांति बहुत ही अच्छा पर्व है और मकर संक्रांति को लेकर के लोग भ्रमित हैं। अधिकतर पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो 14 जनवरी को दिन में संक्रांति बदलने के कारण 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मान्य होती थी, किंतु आज 2023 में 14 जनवरी को सूर्य अस्त के बाद संक्रांति बदल रही है, अर्थात रात्रि में 8:06 पर संक्रांति बदल रही है, अर्थात भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यदि सूर्य उदय से पहले संक्रांति चेंज होती, वो मकर राशि में प्रवेश करते, तो आज का दिन ही मान्य होता, किंतु वहाँ सूर्य अस्त होने के बाद भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण से जो मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो 15 जनवरी 2023 को बनता है। इसलिए आप सभी लोग भ्रमित ना हो करके पुण्यकाल का अर्थ समझते हुए 15 जनवरी 2023 को ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्व खिचड़ी पर्व ही मनाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि दर्शक जो है इसमें असमंजस में थे कि 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति जो है वो मनाया जाएगा। पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के दिन क्या कुछ किया जाता है, क्या बनाया जाता है और इसका क्या मतलब उपाय हम कर सकते हैं इस दिन। जी, मकर संक्रांति का देखिए पौराणिक बड़ा सुंदर महत्व है। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया लगी तो शैया के पश्चात उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उन्होंने ये देखा कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तभी मैं अपने प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि सूर्य उत्तरायण के बाद पुराणों में मान्यता है कि 14 जनवरी के पश्चात जब संक्रांति चेंज होती है और 16 जुलाई के मध्य में सूर्य उत्तरायण में यदि किसी की मृत्यु होती है तो साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भीष्म पितामह जी ने मकर संक्रांति जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान के अनुसार उन्होंने अपने प्राण को छोड़े। और महत्व विशेष ये है कि मकर संक्रांति को गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व है, जाकर के गंगा स्नान करना चाहिए और उसके पश्चात घी आदि का दान, तिल आदि का दान, कंबल आदि का दान करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है पूर्वजों को। और दूसरी बात यह है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका 100 गुना फल व्यक्ति को पुनः प्राप्त होता है। जी पंडित जी, माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाया जाता है, तो इसके पीछे का क्या कारण है कि उस दिन दही चूड़ा और तिल का लड्डू खाया जाता है। जी जी, मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए यही कहा गया है कि दही आदि या चूड़ा जो होता है, क्षेत्र क्षेत्र की बात है कि नहीं, क्षेत्र में विशेष करके हमारे उत्तर पूर्वी भारत में दही चूड़ा का बड़ा विशेष महत्व है जी। और वहाँ पर दही चूड़ा आदि ब्राह्मण को बुला करके जो है उसको खिलाते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं ताकि उनके पितर प्रसन्न हों और उनके घर में जो है पितरों की कृपा रहे, धन धान्य की वृद्धि हो। और मकर संक्रांति, क्योंकि संक्रांति की जो अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी है, और तिल दान जो है पुराणों के अनुसार तिल दान करना, तिल दान जो है महादान में आता है, तो यदि मकर संक्रांति को गंगा स्नान आदि करके तिल का महादान किया जाए तो उससे जो है अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और जैसा कि पहले भी कहा कि उत्तर पूर्वी भारत में जो है महत्व दही चूड़ा का है, तो वहाँ लोग जो है ये सब दान करके जो है पुण्य के भागी बनते हैं। पंडित जी, जैसे कि आपने इसकी ये बताया कि इस दिन दान करना जो है शुभ माना जाता है, अब हम उससे जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है। जी, मकर संक्रांति पुराणों के अनुसार महाभारत काल में
जब पांचों पांडवों को वनवास की प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने वनवास के समय में संक्रांति के दिन संक्रांति की जो अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती महालक्ष्मी उनका पूजन किया और तभी से ये जो है प्रथा चली आ रही है कि इस दिन जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष रूप से अधिष्ठात्री देवी संक्रांति की लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वनवास के दौरान पांचों पांडवों को जो है राज का त्याग हुआ था, अर्थात जैसे कि उनके दुर्योधन आदि जो भाई थे उन्होंने उनको राज्य विहीन कर दिया था, तो उन्होंने माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ताकि उनको राज्य की प्राप्ति हो उसकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने संक्रांति की माता लक्ष्मी के का विधिवत पूजन किया और उनकी कृपा प्राप्त की, जिसके कारण बाद में जो है उनको जो है राज्य की प्राप्ति हुई। जी पंडित जी, मकर संक्रांति के दिन कौन से देवी देवता की पूजा की जाती है? जी मकर संक्रांति में विशेष रूप से सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि होती है शनि की राशि और जो कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसकी विशेषता यह है कि भगवान सूर्य का विशेष पूजन करना चाहिए अपनी आयु की वृद्धि के लिए, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए भगवान सूर्य का पूजन, और साथ साथ में शनि महाराज का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यदि सूर्य शनि कुंडली में एक साथ बैठते हैं या परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं तो पिता पुत्र के संबंधों में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दूरियां बढ़ती हैं, इसलिए यहाँ दोनों का पूजन करना चाहिए, सूर्य नारायण का साथ साथ शनि महाराज का पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहे। और विशेष करके क्योंकि सूर्य नारायण की बात आई, नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु, तो इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का और माता लक्ष्मी के पूजन का भी बड़ा विशेष महत्व है और इस दिन श्रद्धा के अनुसार जो है इनका पूजन करना चाहिए, सामर्थ्य शक्ति के अनुसार। जैसे पहले भी बताया, इसमें घी आदि का दान, तिल आदि का दान और भी जो अपना व्यक्ति का सामर्थ्य है, कंबल आदि का दान करना चाहिए, या गरीब लोग जो हैं चौपाटे पर जो विशेष रूप से चौराहे पर रहते हैं जो कि बड़े परेशान हैं आर्थिक रूप से, तो ये विचार मन में लाना चाहिए कि इस दिन जा कर के अधिक से अधिक संख्या में कंबल आदि का दान करें, इससे पुण्य के भागी बने, क्योंकि ये माघ का महीना है और इसमें शीत ऋतु है, ठंडी बहुत है, तो किसी यदि गरीब की आपके दान के द्वारा रक्षा होती है, उसका कल्याण होता है, ये आपके आप भी पुण्य के भागी बनते हैं और जीवन पर्यंत आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, मरण उपरांत भी जो है व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी अगर पंडित जी हम राशि की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन कौन सी राशि के लिए शुभ प्राप्त हो सकता है उनके लिए? जी जी, मकर संक्रांति के दिन जैसे सूर्य मकर राशि में आए वैसे तो सभी राशियों के लिए उत्तम हो जाते हैं, क्योंकि उत्तरायण आना अति उत्तम होता है, तो विशेष करके मेष राशियों के लिए उत्तम है। जी नवम भाव में मेष राशि से नवम भाव में सूर्य जाते हैं तो भाग्य भाव होता है नवम भाव, तो मेष राशियों का जो राशि के लोग हैं चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो उनकी भाग्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मकर राशि स्वयं की राशि के लिए उत्तम होता है, कुंभ राशि जो कि इसके भी स्वामी शनि हैं इनके लिए भी उत्तम संकेत प्राप्त होता है, वृष राशि मित्र राशि हुई, तुला राशि हुई, धनु राशि हुई और आपकी मीन राशि हुई, इन राशियों वाले लोगों को इस संक्रांति के माध्यम से अच्छे फल की प्राप्ति होती है, सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। जी पंडित जी, माना जाता है कि मकर संक्रांति से मौसम में परिवर्तन आने लगता है, तो इसका क्या कारण है? जी मौसम परिवर्तन का कारण ये है कि मकर संक्रांति से पूर्व सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, अर्थात दक्षिण दिशा को अधिक स्पर्श करते हुए वो उदय होते हैं और मकर संक्रांति के दिन वहाँ ईशान कोण में अर्थात उत्तर दिशा की ओर अधिक जाते हुए ईशान कोण से उनका उदय होता है। तो कहने का भाव यह है कि पौष मास जो भी पीछे खर मास गया, यहाँ सूर्य की गति मध्यम होती है, जिसके कारण सूर्य कम प्रकाशित होते हैं, अर्थात जो उनकी ऊर्जा होती है व्यक्तियों को उतनी नहीं प्राप्त हो जाती, क्योंकि जो इनके साथ अश्व हैं वह भी मध्यम गति में चलते हैं और यहाँ से जो है सूर्य की तीव्रता बढ़ जाती है, अर्थात उनके
उसमें परिवर्तन होता है, उनकी प्रकाश में परिवर्तन होता है, उनकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। खर मास की अपेक्षा, दिसंबर की अपेक्षा माघ महीने में सूर्य की किरणों में अधिक शक्ति आ जाती है। अधिक शक्ति होने के कारण यहाँ से धीरे धीरे मौसम का परिवर्तन होने लग जाता है। जी, जैसे कि पंडित जी ने तमाम चीज़ें बताई हैं, बहुत ही विस्तार से बताई है कि जो मकर संक्रांति है इस साल 2023 में 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा और क्या क्या दान करना चाहिए, क्या क्या उपाय है। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि कंबल बांटना चाहिए जैसे कि सर्दी का मौसम है, तो ये सारी तमाम ये जो उपाय हैं ये आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।